डॉक्टर गुरु, हमने 10 साल में जब से केंद्र में सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की, एक सीमेंटेड बीजेपी देखी और पहली दफा बहुमत से 32 सीटें मात्र पीछे रह गए और दरारें ही दरारें, सिरफुट अव्वल, हाहाकार, एक स्टेट नहीं, दो स्टेट नहीं, तीन नहीं, छह स्टेट्स में ये सब अफरा तफरी का माहौल, क्यों डॉक्टर गुरु? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। गरिमा जी, अंग्रेजी में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो जैसा देखना चाहता है वो वैसा देखता है। 1963 के बाद, चार दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी मर्तबा, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, कोई सरकार चुन करके आई है इतने बड़े मैंडेट के साथ। मुझे लगता है कि आज से पहले, चार दशक पहले आप चले जाइए, तब ऐसा हुआ था। 2004 में हमारी सरकार गई थी, हम 138 थे, कांग्रेस 145 थी, 7 सीटों का अंतर था। 2009 में कांग्रेस 206 थी। इस बार 10 वर्ष के सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के साथ आई है। मुझे याद है राहुल गांधी जी से 3 जून को पूछा गया था कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। उन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना है 295, तो जो इंडिया अलायंस 295 के लिए कमर कस रहा था, उनकी स्थिति आज क्या है? वो सारी की सारी इंडिया अलायंस के सारे दलों को मिला करके भी वो भारतीय जनता पार्टी अकेले से काफी सांसद कम है, पहली बात। दूसरा, जानबूझ करके एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। देखिए, पूरा अधिकार है। आज कम से कम एक बात स्थापित हो गई है, एक चीज जो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि भारतीय राजनीति का ध्रुव, अ स्ट्रॉन्ग पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आज बीजेपी बन चुका है। जो राजनीति का ध्रुव, जो राजनीति का केंद्र 40-50 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी देश की राजनीति मंडराती है। आपको पूरा अधिकार है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया आपने। बिहार के हमारे 2 वरिष्ठ नेताओं का आपने बयान भी चलाया है। गरिमा जी, बिहार में हम 30 सीटें जीते हैं और विधानसभा में आकलन करें तो 243 में से 173 सीटों पे हमारी लीड है, जो कि मेजॉरिटी से 55 सीटें ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हमने 33 सीटें जीती है और कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी से आते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो जो आप बैठकों का दौर देख रही हैं, बयान सुन रही हैं, आत्ममंथन चल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। और निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, हम आश्वान्वित हैं कि आने वाले जो 4 विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में, हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे निष्ठा के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। ठीक है गुरु, दूसरी बात, दो चीजों का इस्तेमाल किया गुरु, एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी, आखिरी वाक्य कहिए प्लीज, कैरी ऑन। आखिरी वाक्य है गरिमा जी, एक लास्ट सेंटेंस है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ है। हमारे विरोधी कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस जगजीवन राम, तो हमारी वैचारिक आंदोलन में कभी कोई संदेह का सवाल नहीं खड़ा होता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। मैं दोनों चीजों को आगे बढ़ा देती हूँ, मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जो आपके मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, ये कह रहे हैं 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। आप ही के विधायक हैं, कह रहे हैं कि कोई ताकत नहीं 2027 में बीजेपी चुनाव जीत जाए, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। सुनील भराला कह रहे हैं कि एक सेकंड की भी देरी किए बगैर भूपेंद्र चौधरी को हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने तो खुद कहा आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, 240 सांसद आपके जीत कर आए, लेकिन ये सिर्फ फुटबॉल हमने 10 साल में नहीं देखी गुरु। नहीं नहीं गरिमा जी, देखिए, सिर्फ फुटबॉल आप जिस संदर्भ में उपयोग कर रही हैं, हम उसको आत्ममंथन कहते हैं। हमारी पार्टी के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर 6 महीने पे हमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करनी होती है। तो ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं, उन बैठक में आत्ममंथन हो रहा है। हमारी पार्टी, हम जब कहते हैं कि हम पार्टी विद अ डिफरेंस है, तो हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। जहां तक आप कुछ बयानों की चर्चा कर रही है गरिमा जी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 17.5 करोड़ तो मेंबर हैं। अब 17.5 करोड़ मेंबर में से कौन व्यक्ति कब क्या कह रहा है, वो बिल्कुल उनका अधिकार है।
वो पूरा स्वतंत्रता के साथ इसको बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी कार्रवाई हमारे लोगों के ऊपर भी, कर्नाटक में मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, ईश्वरप्पा उनके ऊपर आरोप लगा, उनको इस्तीफा कराया गया। हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम मात्र आया था, लेकिन आप ही के लोग कह रहे हैं ना गुरु, डॉक्टर गुरु, आप ही के लोग कह रहे हैं कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। गरिमा जी देखिए, बयान के लिए कुछ लोग बयान देते हैं, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं पुनः बताता हूं आपको कि हमारे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार का आप बताइए, एक भ्रष्टाचार का आरोप यदि लगा हो। 2013 में आप अखबार खोलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ ये आदर्श घोटाला, हर पन्ने पे घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2014 से लेकर के आज तक कोई भी घोटाला केंद्र सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन आप ही के, आप ही का मात्र संगठन है, आप ही की मदर पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है आप दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गए हैं। अजीत पवार को साथ ले आए आप, शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव जीत रही थी, एनडीए को एनसीपी को लाने की क्या जरूरत थी? ये तोड़फोड़ का सबसे खराब उदाहरण पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये आपकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। नहीं तो गरिमा जी, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि वैचारिक विविधता है, ये तो अच्छी बात है कि हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और पेरेंट का काम होता है समय समय पे कुछ बोलना। लेकिन जहां तक वॉशिंग मशीन का विषय है गरिमा जी, एक साल से हम लोग बात कर रहे हैं, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, कभी आपके शो पे बात करते, कभी कहीं और जवाब देते हैं। गरिमा जी मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ आया है, आप मुझे एक अखबार का कटिंग दिखा दीजिए जिस अखबार की कटिंग में ये लिखा हो कि इनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया बंद हो गई है, इनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसेस बंद हो गया है, ये दोष मुक्त हो गए हैं। आप नहीं, नहीं बता पाएंगे। ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन हम डेविएशन में जाएंगे उससे। तो गुरु मैं ये मानूं कि ये जो बयान है उत्तर प्रदेश में सब सामान्य है, सब गुडी गुडी है, ऐसा मानूं गुरु? निश्चित रूप से आज तो बिहार की कार्यकारिणी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए, आज बिहार की कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में हमारे लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें 243 में से 200 से अधिक सीटें हम जीत के आने वाले हैं। आज और आने वाले समय में जो झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सिर्फ फुटव्वल कहिए, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग करिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जितना एनर्जी, आप ये नैरेटिव का मुझ पर आक्षेप न लगाएं, एनर्जी जितनी योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, राजेंद्र प्रताप सिंह, रमेश चंद्र मिश्रा, देवेंद्र प्रताप सिंह, त्रिभुवन राम, रत्नाकर मिश्रा, सुनील भराला, संजय निषाद कह रहे हैं गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे, क्यों पार्टी को वोट देंगे, अनुप्रिया पटेल कह रही है कि नॉट फाउंड सुटेबल, सारे दलितों को पिछड़ों को लिखकर भेज दिया गया। ये तो मेरा नैरेटिव नहीं है गुरु, अविनाश आदि की